तरीके से निक्की जी ने आज परिचय दिया है, जानकारी उपलब्ध कराई है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो किशनगंज का है वो काफ़ी जो सामाजिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट काम है, हम सभी में एक्टिव उसकी भूमिका, वो ब्लड डोनेशन कैंप है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बिल्कुल रेड क्रॉस सोसाइटी किशनगंज जो है पूरी तरीके से बधाई के पात्र हैं, और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी इस शहर के या इस जिले के जो भी नागरिक जन हैं वो भी सब लोग बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक मैं समझ रहे हैं, जो अस्वस्थ लोग हैं या उनको किसी प्रकार की समस्या है, उनको किसी न किसी रूप में मदद अगर हम लोग दे सकते हैं तो हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से। शहरों में लोगों को अपनी बहुत सारी व्यवस्थाएँ रहती हैं, ये ऐसे भी सामान्यतः आज के ज़माने में बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, लोगों को फुर्सत नहीं है। एक ऐसे लोग जो समाज की अच्छाई के लिए चिंतित रहते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए व्याकुल रहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। वो अपनी जिस तरीके से मेरे सामने आज बातें रखी गई हैं, कुछ इश्यूज भी हैं जो मिक्की जी अभी मुझे बता रहे थे, उसको भी हम लोग रिजॉल्व करने का कोशिश, बैठक को हम लोग बुला लें। सभी जो मेंबर्स हैं, स्पेशली जो पैट्रन्स है और अदर जो मेंबर्स हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, उनके साथ हम लोग बैठ जाएं, बैठ करके कोई एक फंड्स को हम लोग मोबिलाइज करें। अगर हम लोगों को किसी अन्य एजेंसी से सहयोग की आवश्यकता है वो भी हम लोग प्लान करें। तो मुझे लगता है कि अगर मिक्की साहब जो हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, अपने कार्यों के लिए हमेशा जाना चाहते हैं। देखिए, आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, उसी के अवसर पर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें जिन पूरे वर्ष की क्या क्या गतिविधि किशनगंज रेड क्रॉस की रही, उसमें जो उपलब्धियाँ रही उनके बारे में चर्चा हुई। आगे का किस तरीके से हम इस साल में क्या प्लान करेंगे, उन सब के बारे में भी हम लोगों ने कुछ बातें की, और साथ ही साथ जो बच्चों ने या जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने रेड क्रॉस को डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हो या फिर ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर हो या अन्य जो पुलिस वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ट्रैफिक वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन सब में जिन लोगों का योगदान रहा है उन सबको भी सम्मानित किया गया है। तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इसी तरीके का सहयोग सभी नागरिक जनों का मिलता रहेगा, और इसी तरीके से रेड क्रॉस जो किशनगंज है वो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी और होती है।